गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्रीपी क्वर्लीज क्लास टू। आज मैं आप लोगों को क्रीपी क्वर्लीज पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है सम क्रीपी क्वर्लीज रिंग देयर नेम्स राइट आई फॉर द इंसेक्ट। यहाँ बोल रहा है कि कुछ क्रीपी क्वर्लीज दिए हुए हैं जिसके नाम आपको रिंग करना है, रिंग देयर नेम, उनके नेम को रिंग करना है और उसका इंसेक्ट बताना, ठीक है। यहाँ पे इंसेक्ट नेम दिए हुए, पिक्चर शो किया गया हुआ है, आपको इसको देखकर बताना है इसमें कौन कौन क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रास हॉपर दिया हुआ है। सेकंड हमारा क्या है, स्कॉर्पियन है। थर्ड है लेडी बर्ड दिया है। फोर्थ हमारा है स्लग। फिफ्थ में कॉकरोच है। सिक्स में स्नेल है। सेवन में स्पाइडर है। एट में फ्लाई है, ठीक है। ये सब हमारे इंसेक्ट नेम है। उसके बाद क्वेश्चन टू में बोल रहा है टिक व्हाट इज द ट्रू फॉर द बर्ड इन द पिक्चर। इसमें टिक करना है कि कौन सा बर्ड का पिक्चर ये राइट है, ठीक है, जो राइट होगा उस पर टिक करना है। ए में दिया हुआ है स्पैरो लाइव ओनली इन फॉरेस्ट, दे इट ग्रेन, स्पैरो क्रीप, दे आर कॉमन पेट्स। यहाँ पे पूछा है कि कौन करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वन में मेरा बी एंड सी जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। ये जो है क्या करता है, दे इट ग्रेन, ये ग्रेन खा ये करता है। उसके बाद है स्पैरो क्रीप करता है, ठीक है। पिक्चर में यही दिया हुआ है, इसको पिक्चर को देखकर आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन टू में है सन बर्ड्स आर ए स्मॉल बर्ड, दे इट फ्लावर, दे सिप द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, दे आर कॉमन पेट्स, ठीक है। इसमें पिक्चर देखकर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो टू में हमारा ए है एंड सी है, ठीक है, इसमें ए और सी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में पिजन दिया हुआ है, ये बोल रहा है पिजन ईट फ्रूट एंड ग्रेन्स, दे कोको, दे ट्विटर, पिजन्स वेयर यूज टू क्राई लेटर्स। यहाँ पे होगा हमारा, इसमें करेक्ट क्या होगा, ए बी एंड डी, ठीक है, ये ए बी एंड डी पे टिक होगा। क्वेश्चन नंबर फोर में है ऑल दिया हुआ है, ऑल्स ईट फ्रूट एंड नट्स, मोस्ट ऑल हंट एट नाइट, ऑल क्रीप, ऑल हुड। यहाँ पे होगा क्वेश्चन फोर में हमारा बी एंड डी, ठीक है, बी और डी ही हमारा ऑल होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है किंग फिशर सिप नेक्टर, दे इट फिश, दे स्विम वेल, दे लिव इन वाटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है हमारा ओनली बी टिक होगा, ठीक है, बी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है पेंगुइन स्विम वेल, दे इट फिश, दे कैन नॉट फ्लाई, दे आर फाउंड इन इंडिया। ये इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में ए बी एंड सी करेक्ट है, ठीक है, ए बी सी ट्रू है हमारा। आज हम लोग इसी का ही है, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर 12-15 देखेंगे, पार्ट्स ऑफ हाउस, ठीक है। पार्ट ऑफ हाउस, यहाँ पे पार्ट ऑफ हाउस दिया हुआ है इसका, इसको फिल करना है। पिक्चर यहाँ पे शो किए गए हैं कौन कौन से नंबर पे है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन क्या है, ठीक है। फिल इन नंबर्स टू शो द पार्ट ऑफ हाउस इन द पिक्चर, यहाँ पिक्चर में हाउस शो किए गए हैं इसके पार्ट्स, उसको नंबर वाइज आपको फिल करना है कौन क्या। तो फर्स्ट हमारा क्या है, टेरेस है। सेकेंड है हमारा एटिक है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है टू नंबर पर। थर्ड हमारा है बालकनी। फोर्थ है पेंट्री। फिफ्थ है हमारा लूबी। सिक्स है पोर्च। सेवन है बॉक्स रूम। एट है ग्रेप, ठीक है, ये एट तक दिए हुए। एट हमारा क्या है, गैरेज है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू है लुक एट द पिक्चर ऑफ द हाउस एंड फिल इन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउस का पिक्चर दिया, ये हाउस का पिक्चर देख कर इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। द लाइब्रेरी हैज़ बुक, इट इज़ इन द डैश, यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमारा हो जाएगा क्या, एटिक। ए हमारा क्या हो जाएगा, एटिक। उसके बाद है सेकंड बोल रहा है देयर आर प्लांट्स ऑन द डैश। सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, टेरेस, उस पर प्लांट शो किया गया हुआ था। सी बोल रहा है द स्विंग इज़ इन द डैश, पोर्च हो जाएगा सी में। द बालकनी इज़ ऑन द डैश फ्लोर, डी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ई में है फूड इज स्टोर्ड इन द डैश पेंट्री। उसके बाद है पेंट्री। उसके बाद है
The car is in the dash garage. The dash run from the balcony of the attic. इसमें हो जाएगा हमारा stair. उसके बाद है the dash is between the porch and the living room. यहाँ हो जाएगा लॉबी. ठीक है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है. टिक द करेक्ट आंसर और आंसर. आपको टिक करना है जो करेक्ट आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन फर्स्ट में है द क्लॉक इज इन द डैश आर्टिक लॉबी या लिविंग रूम. क्या होगा हमारा आर्ट ये लॉबी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है देयर इज अ फ्लोर अलार्म इन सॉरी देयर इज अ फ्लोर लैम्प इज इन इन द सॉरी किचन डाइनिंग रूम या लिविंग रूम. यहाँ पे हो जाएगा डाइनिंग रूम. थिंग्स आर स्टोर इन द डैश. यहाँ पे है बॉक्स रूम पोर्च या पैंट्री. क्या हो जाएगा इसमें पोर्च एंड सॉरी पैंट्री एंड बॉक्स रूम हो जाएगा. 3 में बॉक्स रूम एंड पैंट्री हो जाएगा. उसके बाद 4 में है हम द आर्टिक इज राइट एट द टॉप सेंटर बॉटम. यहाँ पे हो जाएगा टॉप. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द हाउस इज द 5th में दिया हुआ है एटिक बेसमेंट या फिर टेरिस. यहाँ पे क्या हो जाएगा टिक बी हो जाएगा बेसमेंट. ठीक है. द किचन एंड द डाइनिंग रूम आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर. तो क्या हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर. उसके बाद है द बेसमेंट हैज़ द लॉबी गैरेज बॉक्स रूम. क्या हो जाएगा गैरेज एंड बॉक्स रूम. ठीक है. ये हम लोगों को आज पढ़ना है. इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये क्या वर्कशीट बनाएंगे. डेट्स ऑल एवरीबॉडी.